हेलो माय डियर व्यूअर्स दिस इज स्वाति जावला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ सैम्पल पेपर आई होप आप सब ने अब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है नहीं भी करा है कोई दिक्कत नहीं यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम बिकॉज इस चैनल पर आपको सभी के सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी चैप्टर प्ले में ईजिली सर्च करके उसको अच्छे से समझ सकते हो और अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है

This question bank is designed for class 12 computer science students specially from CBSE board. It contains key points of each chapter, objective type questions, previous year questions, important questions, practice questions solved and unsolved, crossword puzzle, self-assessment paper, CBSE issued sample paper or be whatkuch. At the end of each chapter, QR code is also given for video explanation. Itna kuch just rupees 499 only. If you want to excel in your exams and get centum in your boards, this is the right choice. So, what are you Just click on these links, grab your copy and start study from today. Thank you. I will provide you the link of this question bank in the description of this video. Link link, click on the link and book sample paper and start अब कंटिन्यू करते हम अपने इस वीडियो को दैट इज इसम्पल पेपर जो हमें डिस्कस करना है पर बिफोर स्टार्टिंग दिस अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज योअर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और ज्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा सो so दैट जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है ऐसे ही बाकी सब स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सैम्पल पेपर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास ट्वेल्व कंप्यूटर साइंस के लिए है मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों का रहेगा सेवेंटी और टाइम अलाउड विल बी थ्री आवर्स दीज आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम फॉर सेशन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री सेशन की बात कर रहे हैं इट विल कंसिस्ट ऑफ फाइव सेक्शंस टोटल फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन ई सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चंस होंगे वन मार्क ईच सेक्शन बी में आपके सेवन क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टू मार्क्स ही देन सेक्शन सी में आपके फाइव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे थ्री मार्क्स ईच देन सेक्शन डी में आपका थ्री लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे फाइव मार्क्स ईच लास्ट आपका आता है सेक्शन ई उसमें आपके टू क्वेश्चन होंगे फोर मार्क्स ईच और इंटरनल चॉइस भी आपको गिवन होगी इन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अगेंस्ट पार्ट सी होंगे और जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है वो आपको पता ही है पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस, आपने उसको अटेम्प्ट करना तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर दिया जाए राइट चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहते हैं यू हैव टू कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कैन बी एज आइडेंटिफायर्स इन पाइथन सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर इस uh, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं लाइक like जो मेरा आइडेंटिफायर है इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट बट इट कैन कंटेन डिजिट इट कैन कंटेन अंडर स्कोर बट स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं होगा एक्सेप्ट अंडर स्कोर इट कैन स्टार्ट विद आईदर लोअर केस और अपर केस और अंडर स्कोर राइट और इसमें आपका जो की वर्ड होते हैं वो आपको इनवेलिड होते हैं स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं ये कुछ रूल्स रहते हैं है मेरे पास विच आर दिन इज एन इनवेलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन देखो रोल अंडर स्कोर नंबर दिस इज वैलिड

अब आपको क्या करना है की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है तो उसके लिए जो करेक्ट सिंटेक्स है वो आपको बताना है सबसे पहले लिखा हुआ डिलीट डी वन रेड दिसेक्ट डेल डॉट डी वन ये भी इन करेक्ट है डेल डी वन और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया की का नेम दिस इज करेक्ट तो ये आपका क्या करेगा की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा डेल डी वन से तो आपकी कंप्लीट डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर उटपुट ऑपरेटर इलेवन राइट अब इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए किस ऑपरेटर के प्रोसीडेंस सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर जो प्रोसीडेंस सबसे ज्यादा दैट इज एक्सपोन ऑपरेटर की तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे टू। टू तो 10 2 मेरे पास आ जाएगा हंड्रेड प्लस 99 डिवाइड बाई 11। उसके बाद मेरे पास आते हैं माइनस प्लस और डिविजन तो यहाँ पर प्रोसीडर किसकी ज्यादा है डिविजन ऑपरेटर की तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिविजन ऑपरेटर ये आपको रिजल्ट किस में देगा डेसिमल में अब मेरे पास दो ऑपरेटर्स है माइनस और प्लस दोनों की सेम है तो वे फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी दैट मीन लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करेंगे थ्री माइनस हंड्रेड विल बी माइनस नाइनटी सेवन प्लस पॉइंट जीरो जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस नाइनटी सेवन प्लस नाइन पॉइंट जीरो तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा अब इसके लिए मैं आई इसको पाइथन ई में भी चेक कर लेते हैं

नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन डैश की वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले द नॉन रिपीटेड वैल्यूज इन माइस नॉन रिपीटेड मीन्स अगर जो रिपीट हो रही है मुझे एक ही बार डिस्प्ले करानी है ये काम मेरा कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट एट विच द फॉलोइंग कमांड्स विल चेंज द ऑफ द रोल माइ एस फ्य डेटाबेस रोल्स को चेंज करना है तो मेरे पास कौन सी कमांड है अपडेट कमांड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन

नेक्स्ट मुझे क्या कहता है प्रिंट मैक्स ऑफ वैल्यू जो आ जाएगी वो प्रिंट कर देगा इम्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स हैं इसमें कोई भी वैल्यूज को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती सेम मेमोरी लोकेशन पर हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते तो so, जो स्टेटमेंट मुझे एरर देगा दैट इज स्टेटमेंट फोर नेक्स्ट है

डॉट लिखोगे फंक्शन का नेम क्या है राइट right लाइंस और ब्रैकेट में क्या आ गया आपका सीक्वेंस डेटा टाइप अब इसको चेक करो जरा कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज देयर एफ ओ बी जे डॉट राइट लाइंस एंड देन सीक्वेंस तो क्वेश्चन इलेवेंथ के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हैविंग क्लोज इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद विच क्लॉज हैविंग क्लोज को हम यूज करते हैं

ग्रेटर देन आपका रिलेशन ऑपरेटर है प्लस और एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर आपका अर्थोमेटिक ऑपरेटर है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी ए एंड बी नॉट सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन वर्क विद नल वैल्यूज इन अ डेटाबेस तो यहाँ पर जो हमारा देखो दो फंक्शन होते हैं काउंट और काउंट स्टार काउंट फंक्शन क्या करते हैं जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी रोज की वो काउंट करेगा एक्सेप्ट नल वैल्यूज नल को वो काउंट नहीं करते हैं Whereas, जो मेरा काउंट स्टार फंक्शन है ये आपके नल वैल्यूज को भी इंक्लूड करेगा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट इज इज क्वेश्चन नंबर नंबर कमांड फॉर काउंटिंग द ऑफ रोज इन अ डेटा बेस नंबर ऑफ रोज काउंट करने तो कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास रो काउंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एंड एटीन ये आपके एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं

क्वेश्चन होते हैं ये आपके बेसिकली टू मार्क्स के आते हैं और इसमें अप्रोक्स फोर आपके एरर्स होते राइट टू मार्क्स के क्वेश्चन में फोर एर होते हैं और उसमें आपको उसको उसको भी भी करना और और करके भी लिखना है 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 करने होता करते तो तो दोनों चीजें करनी है। और में ये लिखा रहता कि Rewrite correct code and underline corrections made. तो आपको दोनों चीजें करनी है अब यहाँ पर क्या है डिफाइन सम नंबर्स देखो डेफ यहाँ पर क्या जाएगा? Def, आ जाएगा डी एफ की वर्ड आ जाएगा ठीक है सम नंबर्स कॉलम लगा रखे हैं करेक्ट है टोटल इक्वल्स टू जीरो X in numbers. 4 के बाद बाद पर पर क्या क्या आ आ जाएगा जाएगा की जगह जाएगा? Return. उसके बाद है आपका हाँ, print function. Function को हमने कॉल किया फोर सिक्स थ्री फाइव और सिक्स ठीक है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पर आपको जो एरर्स हैं टोटल थ्री लेट मी चेक दिस ठीक है, हमारा करेक्ट हो गया कॉलन हो गया रिटर्न हो गया आई थिंक लिखी हुई है, है, ठीक इंडेंटेशन कुछ हो तो देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेटवर्क और इसका और पार्ट है उसमें क्या गिवन है राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी तो मॉडर्म की फुल फॉर्म क्या रहती है मेरे पास मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इसका काम क्या होता है? Basically एक network device है। एक और digital को किस में convert कर देता है ये analog signals में। और राउटर का काम क्या होता है ये भी आपका एक networking device ही है। अब राउट रूट का मतलब क्या होता है पाथ प्रोवाइड करना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा मेरे पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए वो बताते हैं तो इट इज नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स

इसका जो डायग्राम रहता है रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है राइट तो इसमें क्या होगा अगर मेरा ये सेंट्रल सर्वर सिस्टम ही खराब हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप मेरा जो बाकी के कंप्यूटर सिस्टम्स है वो करप्ट हो जाए तो पूरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा बस टोपोलॉजी में एक वायर होती है इसके थ्रू आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं राइट a long cable known as the इसी केबल को हम क्या बोलते हैं बैकबोन इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स विद ईच अदर अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। गिवन इज अ पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन आपको गिवन है माय सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस विद पाइथन राइट द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट माय सब्जेक्ट 27 10 2 अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करनी है इसकी इंडेक्सिंग राइट right?

ठीक है और मेरे पास माइनस टेन इंडेक्स पर आ रहा है बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है वो जरूर देख होगी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस गिवन है तो मैंने आपको जो रूल बताया था स्टेप वैल्यू नेगेटिव फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला अगर नहीं देखा तो अभी ना इसी को छोड़कर पहले वो जरूर देखना Because sample paper में भी और आपका जो board exam, उसमें slicing operation के आने के आने पूरे पूरे chances हैं और simple वाले तो आप लोग कर देते हो। उसमें आपको एक ट्रिक बताई हुई है स्पेशली आपके मैम ने वो मेथड डेवलप किया है कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स स्लाइसिंग ऑपरेशन ये गिवन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है अब मुझे इसमें स्टेप वैल्यू में टू टू का गैप देना है आप स्टार्ट किससे करोगे ओ फिर पी फिर टी फिर आर इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाओगे राइट right? नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी का बी पार्ट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो ये आपको एक लिस्ट गिवन है ठीक है सबसे पहला काम हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स फिर मुझे क्या कहता है ए थ्री कॉलम फाइव पर हंड्रेड 100 और थाउजेंड दैट मीनस थ्री और फोर फिफ्थ को इंक्लूड नहीं करेंगे तो थर्ड इंडेक्स पर हम क्या लिख देंगे हंड्रेड और फोर्थ इंडेक्स पर हम क्या लिख देंगे थाउजेंड तो आपकी जो लिस्ट है इस ऑपरेशन के बाद क्या बन जाएगी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी की जगह आ जाएगा हंड्रेड और फिर ये वन थाउजेंड सिक्सटी एंड सेवेंटी फिर वो कह रहा है ए थ्री कॉलन फाइव पर अब मुझे एक ही एलिमेंट गिवन दैट इज टेन थाउजेंड तो ये थर्ड इंडेक्स पर आएगा तो जीरो वन टू थ्री यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ये तो इज रहेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा टेन थाउजेंड और बाकी ये ये जो है ना आपके शिफ्ट हो जाएंगे थर्ड पर तो मेरे पास क्या आ गया टेन थाउजेंड और थ्री कॉलन फोर गिवन है राइट right? तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो हां गया हाँ ये इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले तो क्या था थ्री कॉलम फाइव था थ्री और फोर दो इंडेक्स हैं दो एलिमेंट्स मुझे गिवन थे मैंने डाल दिए अब मेरे को क्या कह रहा है थ्री कॉलम फाइव अभी भी दो इंडेक्स पर वैल्यूज चाहिए बट वैल्यू एक दे रखी है थर्ड इंडेक्स पर हमने ये डाल दी फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू वो हट जाएगी अब मेरे पास क्या आ जाएगा सिक्सटी और सेवनटी तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इजी थर्टी टेन थाउजेंड देन सेवेंटी राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डिफरेंस प्राइमरी की एंड की और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी क्लास ट्वेल्व के रिकॉर्ड की बात करूँ और मैंने सिर्फ टेबल में लिखा नेम एंडा है तो विल की किसा के मार्क्स है राइट right? तो कोई ना कोई चीज उनकी ऐसी जरूर होगी जो लाइक उनका रोल नंबर हो गया आधार कार्ड नंबर हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया जो यूनिक रहेगा दोनों के लिए तो उस कॉलम को हम क्या सेट कर देते हैं प्राइमरी की तो मेरे पास एक एक टेबल में ही प्राइमरी की होती है एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ इज इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन टेबल एज द प्राइमरी की अब आप कहोगे कि मैम आप तो कह रहे हो प्राइमरी की एक ही होती है बट यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेबल में क्या है नेम एड्रेस और मार्क्स राइट right? अब मेरे पास क्या था मैंने इनका रोल नंबर नहीं लिखा अभी बिल्कुल सपोज न्यू क्लास स्टार्ट हुई है मैंने रोल नंबर्स भी अलॉट नहीं किए तो मेरे पास दो निश्चय हैं उनके मैंने मार्क्स लिख दिए और मार्क्स भी सेम आ गए मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं बट उनका एड्रेस अलग अलग है वो अलग अलग लोकेशन से आती है तो मैं नेम और एड्रेस को कंबाइन करके एक प्राइमरी की सेट कर दूंगी

वही कॉलम आपका एक टेबल में प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में वो आपका फॉरेन की होगा अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था कि टेबल में एक टेबल कैन नॉट है मल्टीपल प्राइमरी कीज बट आपके पास एक टेबल में फॉरेन कीज एक से ज्यादा हो सकती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द यूज ऑफ VoIP और फुल फॉर्म लिखनी पीओपीएन एग्जामिन VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कि जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वीडियो कॉल्स करते हैं तो यहां पर आपका जनरली वी आई पी प्रोटोकॉल यूज होता है और पीओपी की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब मुझे क्या करना है इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है आउटपुट ऑफ द गिवन कोड ठीक है ये आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है डेफ डिस्प्ले और ये आपके प्रिंट फंक्शन है ठीक है डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया ये एलिमेंट है मेरे पास लिस्ट में ये हमने पास कर दिए ये आपके पास किस में आ गए एल में एल टू नेम से क्या लिया इन्होंने एम टी लिस्ट में और एन इन एल अब ये एल आपके लिस्ट है एक एक एलिमेंट इसमें आएगा दैट मीन्स एन में पहले हंड्रेड आ जाएगा फिर टू ट्वेंटी एट फिर ट्रिपल थ्री फिर फोर थर्टी टू वन बाय वन सारे एलिमेंट्स आएंगे आपने चेक च कि एन मॉड्यूल टू डबल इक्वल्स टू जीरो अगर वो नंबर टू से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो मैं उसको एल टू वाली लिस्ट में अपेंड कर रही हूँ और वो लिस्ट को रिटर्न करा कर यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ ठीक है देखो एक मेथड तो क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट वन बाय वन लेकर के सॉल्व करूँ बट अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है दो तीन एलिमेंट्स के साथ मैं आपको बता देती हूँ करके फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो फोर इस यहाँ पर हम स्मॉल बिकॉज यहाँ पर स्मॉल है ठीक है तो में में मेरे पास पहले क्या आया? मुझे अपेंड करना है एन क्या ये मैंने एन टू के एल टू वाली लिस्ट लिख दी क्या अपेंड हो गया मेरे पास हंड्रेड फिर है टू ट्वेंटी एट अब मेरे पास एन में क्या आ जाएगा टू ट्वेंटी एट

और यही एलिमेंट्स को आपने l2 में append किया तो लिस्ट की फॉर्म में एलिमेंट्स आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट मींस 100 228 432 60 और 800 राइट right? इनको आप एज अ लिस्ट की फॉर्म में इसमें लिख देंगे नेक्स्ट है मेरे पास इसी क्वेश्चन का और पार्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो अभी आपको t1 नेम से एक टपल गिवन है इंडेक्सिंग कर लें 0 1 2 3 4 एंड देन राइट अब प्रिंट मुझे टी वन डॉट इंडेक्स ट्वेंटी इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा मुझे इंडेक्स रिटर्न करके देगा किसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा ट्वेंटी का तो ट्वेंटी किस इंडेक्स पर है वन पर वन आंसर आ गया नेक्स्ट इज टी वन डॉट इंडेक्स थर्टी थर्टी किस इंडेक्स पर है थ्री तो मेरे पास आंसर आ गया थ्री टी वन डॉट काउंट थर्टी थर्टी कितने टाइम्स है वन टू और थ्री तो आंसर क्या आ गया थ्री नेक्स्ट मेरे क्या कह रहा है वो टी वन स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाना माइनस एट कॉलम माइनस फोर तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो माइनस एट आ, आ रहा है मेरा यहाँ पर थर्टी राइट right? और माइनस फोर पर मेरा क्या आ रहा है ये थ्री कोमा फोर ये भी एक एलिमेंट है और स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है मेरे पास प्लस वन तो क्या आ जाएगा मेरे पास थर्टी नाइन पॉइंट फाइव तो थर्टी नाइन पॉइंट फाइव स्ट्रिंग में हमने लिखा आइटम और ट्वेल्व कोमा थर्टी राइट आपका आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेब डन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कौन कौन से सिक्स सम एवरेज मिक्स मिन काउंट काउंट्स कोई भी दो आपको एक्सप्लेन करने हैं और राइट टू कमांड्स ईच ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो आप अपना कोई भी डीडीएल और डीएमएल कमांड लिख सकते हो डीडीएल में आपकी क्रिएट टेबल ऑल्टर टेबल ड्रॉप टेबल राइट और डीएमएल में आपकी सेलेक्ट अपडेट यू कैन डिलीट ये इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन पर सेक्शन इसका जो ए पार्ट है इसमें हमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स दर्डन एंड कस्टमर दो टेबल्स हमें गिवन है और इसमें हमें क्या बताना है व्हाट विल बी द द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको एसक्यूएल की क्वेरी गिवन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्डन एंड कस्टमर तो दैट मीन यहाँ पर मेरा कार्टीजन प्रोडक्ट यूज हो रहा है ठीक है स्टार मीन सारे के सारे कॉलम्स आएंगे तो हम आउटपुट वाली टेबल में क्या लिखोगे कोड कार नेम चार्जेस कोड

और फिर लास्ट रो पिक करोगे इसको भी सबके साथ तो इस तरीके से आपका एक आर्टिजन प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो टेबल आपके रिजल्टेंट टेबल आ जाएगी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे इन्होंने कर रखा है 501 को, 329 को पहले वन जीरो वन के साथ लाइक इसको इसके साथ ठीक है फिर फाइव जीरो थ्री को इसके साथ फाइव जीरो टू को इसके साथ फाइव जीरो नाइन को इसके साथ ठीक है दोनों ही मेथड से करो कोई फर्क नहीं होगा आंसर आपका सेम आएगा

अब वन जीरो टू वाले आप देखो कितने हैं ये वाले टू हो गए और ये वाले टू हो गए राइट अब इसमें मैक्सिमम यूनिट प्राइस कितनी है ये है यूनिट प्राइस ठीक है सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और टेन तो मैक्सिमम क्या है मेरे पास वन जीरो टू के आगे ट्वेंटी ऐसे ही आप नेक्स्ट पिक करोगे वन जीरो वन तो वन जीरो वन के ये दो हैं मैक्सिमम कौन से मेरे पास ट्वेंटी टू ऐसे ही आप लास्ट पिक करोगे वन जीरो थ्री एक ही है तो यही मैक्सिमम होगा यही मिनिमम होगा आंसर तो क्या आ जाएगा वन जीरो टू के आगे ट्वेंटी और वन जीरो वन के आगे ट्वेंटी टू और वन जीरो थ्री के आगे एट आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो वो आपका मैटर नहीं करता नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डी फ्रॉम स्टॉक ये आपको डी गिवन है अब आपने क्या करना है काउंट और डिस्टिंक्ट तो दैट मीन्स पहले मैं डिस्टिंक्ट लगा लूंगी कितनी वैल्यू है डिस्टिंक्ट मीन्स एक एक बार कितनी आ रही है

और फ्रॉम स्टॉक वेयर आइटम नंबर इक्वल्स टू 5006 तो आइटम नंबर 5006 ये है क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना तो 200 22 विल बी 4400 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4400 नेक्स्ट है आपका लास्ट फोर्थ पार्ट सेलेक्ट मिन स्टॉक डेट फ्रॉम स्टॉक तो दैट मींस मिनिमम आपको बताना है स्टॉक डेट में अब देखो ये आपका जो डेट्स वाले होते हैं इसमें ईयर मंथ और डेट इस फॉर्मेट में ये रहते हैं ईयर मंथ और डेट ठीक है year, month, जब भी इसमें आपको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे ईयर अगर ईयर सेम है तो हम क्या चेक करेंगे मंथ मंथ भी सेम है तो हम किस पर आ जाएंगे डेट पर तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है मिनिमम तो अब यहाँ पर ईयर देखो 2010 और 9 तो मिनिमम कौन सा हो गया 2009 अब ये सभी के ईयर क्या है 2009 सेम है नेक्स्ट हम क्या देखेंगे मंथ मंथ देखो कौन सा मिनिमम है 1 3 12 और 1 1 वाला मिनिमम होता है ये दोनों एलिमिनेट हो गए फिर आ जाता है डेट 1 और यहाँ पर है 23 आई थिंक ठीक है तो मिनिमम कौन सा हो गया 2009 1 1 तो आप ये आंसर लिख दोगे राइट नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 अब क्वेश्चन 27 क्या कहता है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट एचटी इन पाइथन दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद एच एंड टी इन पोएम डॉट टेक्स्ट आपको एक फाइल गिवन है पोएम डॉट टेक्स्ट उसमें ये लाइन लिखी हुई है ठीक है और द लाइन काउंट शुड बी फोर मींस एच और टी से 1 2 3 और ये 4. ठीक है इसको हम करेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट बिकॉज आपको पता है कि आपके स्वाति में हम सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली ही इम्प्लीमेंट करके दिखाती हैं तो पहले हम अपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और फाइल हम एक क्रिएट कर लेंगे राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका हमने नेम दे दिया पोम और इसके अंदर हमने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया राइट right? अब इसको हमने क्या कर दिया सेव कर दिया और आपको डिस्प्ले क्या कराना है द लाइन काउंट शुड बी फोर तो दैट मीन्स हमें फंक्शन बनाना है फंक्शन का नेम क्या है काउंट एच टी पाइथन ओपन करेंगे न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे राइट काउंट एच एंड टी अब देखो सबसे पहला काम फाइल को हम ओपन करेंगे तो एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल का नेम है मेरे पास पोएम डॉट टीएक् और इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में राइट right? अब देखो डेटा को रीड करने के लिए मेरे पास तीन फंक्शन है रीड रीड लाइन और रीड लाइन ठीक है यहाँ पर ये लाइंस की बात कर रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे रीड लाइंस फंक्शन से डेटा को रीड करेंगे एफ डॉट रीड ठीक है पहले हम सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या ये मेरे को डेटा सही से रीड करके दे रहा है या नहीं दे रहा यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और इसको मैं सेम जगह पर सेव कर रही हूँ लोकेशन पर जहां पर मेरा वो टेक्स्ट फाइल है ठीक है तो यहां पर मैंने लिख दिया काउंट एच एंड अगर ये मुझे लाइन सही से रीड करके देगा फिर मैं अपना काम कर सकती हूँ आगे इस पर फोर लूप लगा करके राइट ये जब यहाँ पर नॉट रेस्पॉन्डिंग आता है ना चलो ठीक है ये चीज आ गई दैट मीन ये मुझे सही से रीड करके दे रहा है अब देखो एक चीज और जब हमारा रीड लाइन फंक्शन है ना ये साथ में मुझे ये बैक एन भी रिटर्न करके देता है एक्स्ट्रा वाला तो अगर मुझे ये नहीं पसंद तो हम यहाँ पर अपना क्या यूज कर देते हैं एंड आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर हम एम स्ट्रिंग और लिख देते अच्छा ये तो मैं कंप्लीट डेटा प्रिंट करा रही हूँ ठीक है वो कब होगा अगर मैं फोर लूप लिखू ठीक है फोर आई इन डेटा और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया प्रिंट आई राइट तो देखो ये मुझे एक एक्स्ट्रा की एक, एक लाइन भी रिटर्न करके दे रहा है बीच में ब्लैंक लाइन जो मेरे पास मेरे टेक्स्ट फाइल में नहीं है तो इफ आई वांट कि ये चीज ना आए तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी एंड आर्गुमेंट लेंगे और उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूंगी तो दैट मीन्स ये तो मेरा डेटा सही से रीड कर रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा इफ आई ऑफ जीरो मुझे क्या देखना तो right? तो है कि वो लाइन एच या टी से स्टार्ट हो रही है तो और या तो वो आई से स्टार्ट हो रहा हो सॉरी एच से स्टार्ट हो रहा हो या टी से स्टार्ट हो रहा हो पहले हम देखते हैं कि वो डिस्प्ले करेक्ट करा रहा है या नहीं करा रहा ठीक है देखो एच ओ टी वाले डिस्प्ले करा रहा है मेरे पास लास्ट लाइन ओ वाली थी वो वो डिस्प्ले नहीं करा रहा दैट so ये ठीक चल रहा है अब मुझे क्या करना है इसको काउंट काउंट करना द लाइन शुड बी ये डिस्प्ले कराना है ठीक है तो जब भी कोई चीज काउंट करनी हो ना सिंपली इनिशियलाइज वन वेरिएबल सिम्पलीबल जीरो और जहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पर हम इसको वन से इंक्रीमेंट कर देंगे और आउटसाइड द फोर लूप हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे राइट right? ये आ गया द लाइन काउंट शुड बी फोर ये कॉलन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज यहाँ पर नहीं मेंशन थे इन्होंने बोला ऐसे डिस्प्ले कराना तो हमने ऐसे डिस्प्ले करा दिया अगर आपको प्रॉपर अच्छे से डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए ठीक है राइट चलो अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट इसी का जो और पार्ट गिवन है राइट अ फंक्शन रिप्लेस स्पेस इन पाइथॉन

ये हमारा टेक्स्ट हो गया राइट तो सेम करेंगे हम प्रोसीजर टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे न्यू पर जाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे माय फाइल डॉट टेक्स्ट। इसमें ऑलरेडी है तो हमने इसको रिप्लेस करके हम माय फाइल टू लिख दें ठीक है और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको सेव कर दिया हमने अपनी टेक्स्ट फाइल को अब मेरे को जो फंक्शन बनाना है दैट इज विद नेम रिप्लेस स्पेफ तो हम अपना वापस से पाइथन की आई पर आ जाएंगे ठीक है एक न्यू फाइल ले लेते हैं def, और ये आपका रिप्लेस स्पेस अब मुझे क्या करना है फाइल में से डेटा को रीड करना है फाइल का नेम है मेरे पास माई फाइल टू डॉट टी एक्स टी आपने ये टू नहीं लिखना बिकॉज आपको जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज माई फाइल अब इसको हम कोई भी वेरिएबल लो डेटा एफ टूट अब हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे डेटा को रीड करने के लिए ठीक है बिकॉज वन वन बाय बाय की बात हो रही है तो रीड फंक्शन लगा सकते हैं और फिर मैं प्रिंट करा देती हूँ उस डेटा वेरिएबल को और हाँ फाइल को भी क्लोज कर देते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में रह गया था ये भी हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पर हमने लिख दिया रिप्लेस स्पेस विथ डैश अगर डेटा सही से रीड कर रहा है फिर तो हम आपके अपना काम कर सकते हैं ठीक है डेटा इससे रीड करके दे दिया अब मुझे क्या करना है इस डेटा वेरिएबल पर फोर लूप लगाना है सो तो देट मेरे पास वन बाय वन कैरेक्टर आ जाएगा फॉर आई इन डेटा से अब मुझे देखना है इफ आई अगर जो तो वो क्या है अगर वो क्या है स्पेस तो मुझे उसकी जगह क्या, क्या करना है तो सॉरी स्पेस में तो ऐसे आएगा सिम तो मुझे उसकी जगह क्या लिख देना है डैश लिख देना है इज क्या करना है कुछ नहीं करना एज इट इज वो कैरेक्टर को मैं प्रिंट कराऊंगी राइट अब देखो ये सारे कैरेक्टर्स आपको पता है किस तरीके से डिस्प्ले होंगे इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ठीक है डैश तो आ रहा है जहां जहां स्पेस था तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एंड आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा एंड आर्ग्यूमेंट मीन्स कि आपका जो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन है वो उसी के आगे काम करते दे और यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है कोई स्पेस नहीं है इन बिटवीन तो सी हियर जहां जहां पर आपके स्पेसेस थे वो किससे रिप्लेस हो गया डैश से राइट यही क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में ये मुझे क्या कहते हैं राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज फोर बेस्ड ऑन द रिलेशंस मोबाइल मास्टर एंड मोबाइल स्टॉक गिवन बिलो ठीक है और इसमें आपको मोबाइल मास्टर और मोबाइल स्टॉक दो टेबल्स गिवन है अब मुझे क्या करना है आउटपुट बताने सेलेक्ट एम कंपनी एम नेम एम प्राइस एम क्वांटिटी फ्रॉम मोबाइल मास्टर और मोबाइल वेयर देखो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे जो जो डिस्प्ले कराना है उसको हम यहाँ लिख लेंगे तो मैंने क्या लिखा एम कंपनी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आप कंप्लीट लिखना है राइट तो हमने यहां पर लिखा एम कंपनी फिर आ गया एम नेम एम प्राइस और एम क्वांटिटी राइट ये ये मुझे डिस्प्ले कराना एम कंपनी यहां पर है एम नेम यहां पर एम प्राइस पर एम क्वांटिटी आपका नेक्स्ट टेबल में तो दैट मींस मेरे ज्वेन वाली कमांड इन्होंने यूज कर रखी और वेयर एम 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 ये किसको कह रहे हैं मोबाइल मास्टर वाली टेबल को एमएम डॉट एम आई डी कोई डी ये वाला कॉलम है जो आपका दोनों टेबल में सेम है तो पहले हम क्या करेंगे इसकी एम आई डी पिक करो एम बी जीरो जीरो ना तब इसके साथ हम लिखेंगे क्या क्या है? तो यहाँ पर आपका एम कंपनी में तो क्या आ गया सैमसंग और एम नेम में आपका आ गया गैलेक्सी और एम प्राइस में आपका आ गया फोर्टी फाइव हंड्रेड क्वांटिटी आप यहां से लिखोगे एम बी जीरो जीरो वन और क्वांटिटी आपकी क्या है थ्री हंड्रेड और अब हम नेक्स्ट पिक करेंगे एम बी जीरो जीरो थ्री जीरो जीरो थ्री भी यहां पर है पर जीरो जीरो थ्री मेरा दो प्लेसेस पर है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर है मेरे पास नोकिया एन डबल वन डबल जीरो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नोकिया एम डबल वन डबल जीरो सॉरी एन डबल वन डबल जीरो और इसका जो प्राइस है एक बार ये सारी रो में टू फिफ्टी के साथ लिखूंगी एक बार ये सारी रो में वन फिफ्टी के साथ लिखूंगी नोकिया एन डबल वन डबल जीरो टू टू फाइव जीरो राइट अब है नेक्स्ट मेरे पास एम बी जीरो जीरो फोर अब देखो एम बी जीरो जीरो फोर यहाँ पर मेरा ये एक ही बार है राइट माइक्रोमैक्स तो यहाँ पर एम कंपनी में हम लिख देंगे माइक्रोमैक्स और मोबाइल नेम में हमने लिख दिया यूनाइट थ्री और प्राइस में हमारा हो गया फोर्टी फाइव हंड्रेड क्वान्टिटी हम यहाँ से लिखेंगे फोर फिफ्टी ठीक है और नेक्स्ट जाते हैं मेरे पास एम बी जीरो जीरो फाइव अब एम बी जीरो जीरो फाइव में नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की कंडीशन गिवन है दो आप जो आपका दोनों टेबल्स में हो तो एम बी जीरो ज़ीरो फ़ाइव नहीं है स्किप कर दो नहीं लिखेंगे नेक्स्ट आता है एम बी जीरो ज़ीरो सिक्स तो एम बी ज़ीरो ज़ीरो सिक्स है मेरा इसमें गिवन है और दो प्लेसेस पर गिवन है ओप्पो सेल्फ़ी एक्स ठीक है एम कंपनी में हमने लिख दिया ओप्पो यहाँ पर हमने लिख दिया सेल्फी एक्स प्राइस है इसका एटी फाइव हंड्रेड अब क्वांटिटी देखो वन फिफ्टी भी है और फिफ्टी भी है तो एक बार में इसको 150 के साथ लिखूंगी और एक बार इसको 50 के साथ तो यहाँ पर हो गया आपका ओप्पो सेल्फी एक्स और 8500, राइट एक बार आंसर चली कर लेते हैं ये प्रोग्राम हमारा हो गया ना ठीक है सैमसंग गैलेक्सी 4500, 300, Nokia नोकिया वाला हो गया दोनों के साथ 250, 150, फिफ्टी देन माइक्रोमैक्स हो गया ओप्पो हो गया दोनों के साथ ठीक है ये आंसर है इस तरीके से आपको ज्वाइन वाली टेबल की क्वेरीज आंसर फाइंड आउट करने होते हम हैं हमारा इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट तो पार्ट क्या सेलेक्ट मैक्स एम प्राइस फ्रॉम मोबाइल मास्टर वेयर एम नेम लाइक एस परसेंट ये आपका एम नेम है ठीक है ये आपका नेम का कॉलम है इसमें आपको क्या कहते हैं कि जो स्टार्ट एस से हो रहा हो आगे कुछ भी हो तो ये Selfie X वाला हो गया तो तो इसका maximum price एक ही मेरे पास S वाला है यही होगा ठीक है ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट सेलेक्ट एम सप्लायर एम क्वांटिटी फ्रॉम मोबाइल स्टॉक एम सप्लायर एम सप्लायर शायद गलत रीड कर लिया मैंने एम सप्लायर ही गिवन है और सॉरी ये चेक ठीक है सेलेक्ट एम सप्लायर एम क्वांटिटी फ्रॉम मोबाइल स्टॉक वेयर एम आई डी इक्वल्स टू एम जीरो जीरो थ्री ये भी एम जीरो जीरो थ्री है ये भी एम जीरो जीरो थ्री है तो आपको क्या लिखना है पहले एम सप्लायर लिखेंगे तो दैट मीन्स परवीन गैलरी परवीन गैलरी 250 और द मोबाइल 150 फिफ्टी तो परवीन गैलरी 250 फिफ्टी द मोबाइल वन फिफ्टी राइट नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास फोर्थ पार्ट सेलेक्ट एम कंपनी फ्रॉम मोबाइल मास्टर ये आपका मोबाइल मास्टर है और यहाँ से आपको डिस्प्ले कराना है क्या एम कंपनी ये आपका एम कंपनी हो गया वेयर एम प्राइस बिटवीन थ्री एंड फाइव थाउजेंड और फाइव के बीच में मेरा एक आएगा एक ही आएगा दो आएंगे तो that means Micromax और Samsung, right? और ये जो आपका between है, इसमें आपकी boundary values भी 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 होती अगर आपको या भी कहीं पर given होता, तो, तो वो भी लिखते। नेक्स्ट आ जाता है राइट अ कमांड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटा बेस स्टॉक अब आपके पास डेटाबेस है स्टॉक नेम से उसको आपने ओपन करना है ठीक है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नेम क्या लिख देंगे स्टॉक

ठीक है डिक्शनरी का नेम है प्लेसेस आई थिंक एक्स्ट्रा फाइल को हमने क्लोज कर दिया ठीक है डिक्शनरी का नेम है प्लेसेस ये हमने डिक्शनरी लिख दी अब हमें फंक्शन बनाना है काउंट नाउ नेम्स तो हमने यहाँ पर क्या करा काउंट नाउ नेम से एक फंक्शन बना दिया और वो हमने इसको डिक्शनरी पास कर दी ठीक है तो बेसिकली हमने यहाँ पर डिक्शनरी ली है और इसको हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास काउंट प्लेसेस, ठीक है? अब देखो अब जब मैं अपना डिक्शनरी पर फोर लूप लगाऊंगी फोर आई इन प्लेसेस अब अगर मैं आई को प्रिंट कराऊं तो मुझे बता सकते हो क्या आएगा इसको हमने ऐसे ही सेव कर दिया आई में मेरे पास क्या आएंगी कीज तो दैट मीन्स जब भी हम डिक्शनरी पर फोर तो फाइव और अगर मैं पर लिख डिक्शनरी का नेम और में की तो that means, उसकी मेरे पास क्या आ तो एक तरीके से अगर मैं डिक्शनरी पर फोर लूप लगाऊ और सिंपल आई लिखू दैट मीन्स वो वेरिएबल नेम तो मेरे पास की आ जाती है और डिक्शनरी का नेम लिख करके ब्रैकेट में उसकी लिख दूं तो उसकी वैल्यू आ जाती है अब मुझे क्वेश्चन में वो क्या कहता है राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नाउ प्लेसेस टू फाइंड एंड डिस्प्ले प्लेसेस ये प्लेसेस हैं तो दैट मींस वैल्यूज की बात हो रही है इन विच देर आर मोर देन फाइव कैरेक्टर्स तो दैट मींस अब कंडीशन लगेगी इफ प्लेसेस ऑफ आई इसकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ प्लेसेस ऑफ आई जो उसकी डिक्शनरी की वैल्यूज हैं उसकी जो लेंथ है वो क्या है मोर देन फाइव ग्रेटर देन फाइव है तो मुझे क्या करना है उसको प्रिंट कराना है ठीक है तो मैं प्रिंट किसको करा रही हूँ वैल्यूज को तो यहाँ से आई भी हटा देंगे राइट अब इसको जरा हम एग्जीक्यूट करते हैं आंसर मेरे पास क्या रहा है लंडन और न्यूयॉर्क ये आ गया लंडन और न्यूयॉर्क ठीक है अगर आप चाहो ये इसी फॉर्म में डिस्प्ले कराए तो आप यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट दे दो स्पेस देना हो तो स्पेस दे दो फिर हम इसको शॉर्टकट की एफ फाइव से एग्जीक्यूट करेंगे ये मेरे पास इसी फॉर्म में आपका आंसर आ गया राइट right? तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने प्लेसेज डॉट वैल्यूज लिखा वैल्यूज आ जाएंगे फिर लेंथ फंक्शन लगा दिया ठीक है हमने डिक्शनरी पर डायरेक्ट फोर लूप लगाया फिर हमने लेंथ फंक्शन लगा दिया तो आप इसको किसी भी फॉर्म में किसी भी मेथड में कर सकते हो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी दिस इज बेस्ड ऑन स्टैक

पोस्टल नंबर एंटर कर दे टोटल की की अपना प्रिंट कर दिय। करा दिया ठीक है तो जब तक तो यूजर एंड प्रेस नहीं करता ब्रेक नहीं होगा लुक से बाहर नहीं आएगा तो डेटा एंटर हो गया नेक्स्ट क्या कहते हैं पॉप करना टू पॉप द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक और डिस्प्ले कराना है और साथ में मुझे ये डिस्प्ले जब एलिमेंट्स ना हो तो पॉप करने के लिए हम चेक करेंगे कि जब तक मेरे पास जो लिस्ट है वो जीरो तक नहीं हो जाती वन बाय वन पॉप कर रहे हैं तो पॉप करें तो उसकी लेंथ भी कम होती रहेगी तो जब तक उसकी लेंथ जीरो नहीं हो जाती मैं अपना एलिमेंट पॉप करूंगी उसको डिस्प्ले करा रही हूँ ठीक है और उसके बाद मैंने क्या करा नम को डिक्रीमेंट भी कर दिया क्योंकि नम को मैंने इनिशियलाइज किससे किया जितनी उसकी लेंथ है जितने उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फिर डिक्रीज कर दिया उसको पॉप करने के बाद और उसके बाद यहाँ पर एंड में मैंने क्या प्रिंट करा दिया स्टैक एम्प्टी और फिर हमने अपना पॉप एलिमेंट फंक्शन को कॉल कर दिया राइट right? इजी अब मुझे इसी का और पार्ट फॉर बुक नेम और बुक प्राइस डिक्शनरी है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश बुक वेयर बुक डिटेल्स इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ बुक बुक नेम और बुक प्राइस इस तरीके से गिवन है जिसका प्राइस फाइव हंड्रेड से ग्रेटर है वो वाले बुक्स आपने क्या करनी है पुश करनी है और एंड में मुझे ये भी बताना है कि मेरे पास टोटल कितनी बुक्स हैं स्टैक में ठीक है इसको प्रैक्टिकली करते हैं ये हमारा जो बुक्स से डिक्शनरी है ना इसको हम ले लेते हैं ये हमारे बुक्स नेम से डिक्शनरी हो गई राइट अब मुझे क्या करना है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश और ये बुक डिटेल्स वेयर बुक डिटेल्स क्या आपकी डिक्शनरी है तो दैट मीन ये बुक्स वाली आपकी डिक्शनरी हो गई ये फंक्शन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना राइट अगर ये एक लाइन में आ जाता है तो उसको हम एक ही लाइन में लिख देते हैं नेक्स्ट चलो ये हमने फंक्शन डिफाइन करा अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर पुश फंक्शन को कॉल करूंगी और ब्रैकेट में अपना जो डिक्शनरी है वो पास कर दूंगी राइट अब मुझे क्या करना है इस बुक डिटेल्स वाली डिक्शनरी पर फोर लगाना है और इन बुक अब देखो आई में मेरे पास क्या है की बुक डिटेल्स और ब्रैकेट में आई लिखूंगी तो मेरे पास वेल्यूज आ जाएंगे कंडीशन किस पर लगानी है कुछ भी आप डिक्शनरी कह सकते हो हमने ले लिया और विच है अपना क्या पुश तो करना, 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 करना है वो बुक और वह बुक का नेम किस वेरिएबल में है आई में राइट और आउटसाइड दूक मुझे क्या करना है उस लिस्ट को प्रिंट कराना है प्लस मुझे बताना है कि मेरे पास स्टैक शुड कंटेन एक तो याद है पाइथन एंड जो भी आपकी होंगी और आउटपुट शुड बी द काउंट ऑफ बुक्स इन द स्टैक आउटपुट ये बताना तो इसको नहीं प्रिंट करा इसको हम वैसे अपने लिए प्रिंट करा के देख लेते हैं और प्रिंट यहाँ पर लिखना द आउटपुट शुड बी द काउंट ऑफ बुक्स इन द स्टैक इज तो एक तरीके से मुझे इसकी लेंथ बतानी है अपने स्टैक की राइट इसको अब हम क्या कर देंगे एग्जीक्यूट तो स्टैक में तो मेरे पास ये आ गया पाइथन और वेब डेवलपमेंट और ये मेरे पास काउंट में क्या आ गया 2 अगर आप चाहो यहाँ पर लेंथ फंक्शन नहीं लगाना है तो एक वेरिएबल ले, ले लेना काउंट को और जब जब, जब हम कंडीशन चेक करें अपेंड कर रहे हैं उसको हम अपना लिस्ट में ऐड करेंगे तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे राइट इन्होंने भी इसी तरीके से करा है राइट इन्होंने इंक्रीमेंट करके कर दिया आप चाहो तो सेम या तो इंक्रीमेंट करके कर सकते हो या फिर से उसकी हमने आपको वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला था तो यहाँ तक हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन डी तो नाउ

और ए पार्ट में आपको बोला है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट और नेटवर्किंग टोपोलॉजी ऑफ कनेक्शन अब जो ये केबल लेआउट वाला क्वेश्चन होता है इसमें स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है कि स्टार टोपोलॉजी के थ्रू करना है या बस टोपोलॉजी के थ्रू करना है या दोनों में से सुटेबल कौन सा है इसको करने के लिए मेरे पास टू मेथड्स हैं फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी एंड वन इज यूजिंग बस टोपोलॉजी इसको बहुत ध्यान से समझना फर्स्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग स्टार टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होते हैं उसको हम सर्वर बना देते हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया पहला है यूजिंग स्टार टोपोलॉजी राइट तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो मैक्सिमम है वो किस में है जोन जेड में ठीक है तो जोन जेड को हम क्या बना देंगे हमारा सर्वर और बाकी सभी बिल्डिंग्स को हम उससे कनेक्ट कर देंगे बाकी कौन कौन सी है एक्स वाई एंड यू तो ये हमारी हो गई एक्स वाई एंड यू अब इसका अगर हम डिस्टेंस देखें जोन एक्स और जेड के बीच में है फोर्टी मीटर एक्स और वाई के बीच में है मेरे पास एक्स सॉरी वाई टू जेड ई टू जेड है मेरे पास सिक्सटी मीटर और जेड टू यू है मेरे पास एटी मीटर राइट तो ये तो हो गया बाई यूजिंग स्टार्टअपोलॉजी और नेक्स्ट मेरे पास जो सेकेंड मेथड है that is using या फिर आप कह सकते हो एट्टी ट्वेंटी रूल जिसको आप बोलते हो राइट right? अब बस्टोपोलॉजी में हमने क्या करना है की पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है मेरे पास तो अगर एन बिल्डिंग्स है तो एन माइनस वन उसमें मेरे पास वायर्स होंगी। तो फोर बिल्डिंग्स के लिए केबल्स यूज होंगी बट उसमें मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा क्लोज लूप कहीं पर भी फॉर्म नहीं होना चाहिए अब इसका मतलब क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे अब सबसे पहले हमने इसको इसी फॉर्म में बना दिया जिस फॉर्म में ये हमें गिवन है लाइक एक्सडाई एंड देन यू राइट right? अब मुझे क्या करना है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखना है जस्ट अ सेकंड या अब फोर बिल्डिंग्स हैं तो दैट मीन्स वायर्स कितनी लगेंगी थ्री तो फर्स्ट हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है फोर्टी मीटर बिटवीन एक्स टू जेड तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक्स से जेड तक फोर्टी मीटर नेक्स्ट है मेरे पास फोर्टी के बाद सिक्सटी मीटर जोन जेड टू जेड वाई ये है मेरे पास सिक्सटी मीटर राइट अब दो वायर्स यूज हो गई अब मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था क्लोज लूप नहीं होना चाहिए नेक्स्ट लेट्स सपोज मेरे पास जो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर वो हो जाए फाई और एक्स के बीच में तो क्लोज लूप बन जाएगा तो मैं उस डिस्टेंस को कंसीडर ना करके नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे राइट तो किसी भी तरीके से मेरा क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए अब हम 40 और 60 के बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है है तो कहीं पर भी closed loop नहीं बना, ये दो methods हो गए. अब अगर मुझे देखने है दोनों में से, best कौन से, suitable method कौन से तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जिसमें जो डिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट और सुटेबल केबल लेआउट मेथड रहता है अदरवाइज आपको डाउट है तो आप स्टार टोपोलॉजी भी ड्रॉ कर सकते हो वो भी करेक्ट होगा उसमें आपको जस्ट सर्वर से लेकर के बाकी सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना होता है राइट तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे um, 40 plus 60 plus 80, ठीक है फटाफट से एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लें 40 प्लस 80 हमारा हो गया स्टार्ट ऑपोलॉजी में आंसर आ रहा है मेरा जो टोटल लेंथ लग रही है दैट इज 180 मीटर और वहीं हम बात करें बस टोपोलॉजी की फोर्टी प्लस सिक्सटी हंड्रेड प्लस सेवेंटी तो ये हमारा आ गया वन सेवेंटी मीटर तो दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें हमारे वायर कम यूज हो रही है जिसमें हमारी केबल कम यूज हो रही है दैट इज बाई यूजिंग बस टोपोलॉजी ठीक है तो केबल लेआउट भी हमने ड्रॉ कर दिया और नेटवर्किंग टोपोलॉजी कौन सी हो गई यहाँ पर बस टोपोलॉजी इसका अगर हम आंसर देखें सेक्शन डी ठीक है यहाँ पर भी हमें कौन सा गिवन है बस टोपोलॉजी और ये केबल है, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पर अपना डिस्टेंस जरूर मेंशन करना है ठीक है सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव अबल रीजन विद जस्टिफिकेशन तो सर्वर हम कहां पर प्लेस करेंगे जहां पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे मैक्सिमम होंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ पर मैक्सिमम है जोन Z में तो हम कंप्यूटर्स कहाँ पर प्लेस कर सॉरी सर्वर कहाँ पर प्लेस करेंगे जोन Z में नेक्स्ट आ जाते हैं सी पार्ट सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन रिपीटर्स और हब और स्विच देखो रिपीटर्स क्या होते हैं जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा ट्रांसफर करते हैं हमारे सिग्नल्स वीक होने लगते हैं तो उन सिग्नल्स को ट करने के लिए या फिर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं रिपीटर्स और मेरे पास क्या हब और स्विच ये आपके हर एक बिल्डिंग के साथ यूज होंगे कनेक्ट होंगे तो रिपीटर्स जहाँ पर हमारा एवरेज डिस्टेंस सेवेंटी टू हंड्रेड मीटर हो ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अगर आप चाहो तो ये सिक्स वाई टू यू जो सेवेंटी मीटर है यहाँ पर लगा सकते हो तो अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं रिपीटर्स का जो डिस्टेंस रहता है और हब वो स्विच आपके हर एक बिल्डिंग में हर एक कंप्यूटर के साथ यूज होंगे नेटवर्क इज ग्रेटर देन हंड्रेड मीटर और कहीं पर आप इसको पढ़ोगे की सेवेंटी मीटर्स भी लिखा हुआ होता है ठीक है तो ऑन एन एवरेज आप सेवेंटी टू हंड्रेड मीटर कंसिडर कर सकते हो द रिपीटर कैन बी प्लेस्ड बिटवीन जोन वाई टू जोन एक्स जहां पर आपका जो डिस्टेंस है सेवेंटी मीटर से अब दे रखा हो ठीक है बट जो हमारा लेआउट है उसमें हमें रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और हब और स्विच शुड बी प्लेस इन ईच जोन वो आपके हर एक जोन में लगेंगे नेक्स्ट आते हैं मेरे पास वट इज द मोस्ट इकोनॉमिक टाइप ऑफ केबल फॉर सिलेक्टेड टोपोलॉजी इकोनॉमिक दैट मीन मुझे किस चीज को मैटर रखना है कोर्स को ध्यान में रखना है तो इकोनॉमिक मेरे पास कौन सी होगी ट्विस्टेड पेयर केबल नेक्स्ट आता है पार्ट सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ब्रांच टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी के लिए मेरे पास रहता है फायरवॉल राइट नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू राइट आउटपुट ऑफ द कोड आउटपुट वाले क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब यहाँ पर देखो वेल इक्वल्स टू हंड्रेड

यहाँ पर हमने लिख दिया हंड्रेड राइट नेक्स्ट क्या है एंड के आगे डॉलर तो दैट मीन जो भी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो इसी की आगे प्रिंट होगी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू क्या पास कर रहे हैं हम टू तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन आया एंड की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई टू ग्लोबल वेल तो दैट मीन्स जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और जो भी चेंजेस करेगा वो आपके किस में चेंज होंगे ग्लोबल वेरिएबल में वेल इक्वल्स टू हंड्रेड अब इसने क्या करा वेल well की वैल्यू पहले भी हंड्रेड थे तो यहां पर टू मॉड्यूल टू मेरा जीरो की इक्वल है कंडीशन ट्रू ट्रू है तो इफ पार्ट एक्सिक्यूट होगा इफ पार्ट क्या कहते हैं वेल इक्वल्स टू Well, raise to the power N. Well की value क्या है मेरे मेरे पास पास की की. तो तो ये ये आ गया और ये किसकी value हो गई? Well variable की. अब जो इस function ने क्या करा था ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया था तो ग्लोबल वेरिएबल में वेल well की वैल्यू हंड्रेड से चेंज होकर के क्या हो जाएगी टेन थाउजेंड अब प्रिंट मुझे क्या कराना है वेल तो दैट मीनस टेन थाउजेंड $10, आपका फाइनल क्या होगा आंसर, राइट? नाउ जाते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर। कोड द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन इंटीजर नंबर ऑफ टिकेट इंटीजर टोटल अमाउंट इंटीजर ये सब इंटीजर में गिवन है नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माइस

राइट तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे क्या करना है टोटल अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया अब वो क्या कर रहा है इंसर्ट की क्वेरी लगा रहा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम हो गया फन सिटी ये वैल्यूज हो गई ठीक है इंसर्ट करा दिया स्टेटमेंट टू क्या कहता है राइट अ कमांड टू द क्वेरी अब क्वेरी एक्सिक्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए माई कर्सर मीन जो आपने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कर्सर कर्सर का ऑब्जेक्ट क्या है आपका डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम क्वेरी ये क्वेरी मुझे एग्जीक्यूट करानी है स्टेटमेंट थ्री क्या कहता है राइट अ कमांड टू सेव द डेटा परमानेंटली इन डेटा डेटाबेस उसके लिए मुझे क्या करना है कमिट फंक्शन कॉल करना है और कमिट फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई हैव टू कॉल द कमिट फंक्शन तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है सी ओ एन आई थिंक या सी ओ एन डॉट कमिट राइट तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है स्टेटमेंट वन है मेरे पास कॉन डॉट यही हमने लिखा माई करसर डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी एंड कॉन डॉट कॉमेट राइट अब हम आ जाते हैं हमारा इस क्वेश्चन के और पार्ट पर अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चेंज नेम से आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है प्रिंट करा रखा है इसको यहाँ चेंज यहाँ से हम इसको देखेंगे ठीक है चेंज फंक्शन कॉल किया ये मुझे स्ट्रिंग गिवन है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया आई कैपिटल पी स्मॉल वी सिक्स फिर स्पेस दे रखा है देन वन ट्वेंटी एट फिर माइनस और ये बिट ये किस में हो गया सारा स्मॉल फिर जब भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हो ना और ये आपको लिस्ट और ये स्ट्रिंग टाइप गिवन हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इंडेक्सिंग कर देते हैं तो दिस इज एट इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन राइट इंडेक्सिंग हो गई अब मुझे क्या करना है ये इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस एस में मेरे पास क्या है ये हो हो गई. कितने गए? में मेरे पास क्या आ गया ट्वेल्व एम मेरे पास एक एम टी स्ट्रिंग है राइट right? अब है फोर आई इन रेंज जीरो क्या हो गई ठीक है? जीरो क्या है

नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वन अब मेरे पास क्या है कैपिटल पी कैपिटल पी देखो इज अपर कंडीशन ट्रू तो अब ये किस में हो जाएगा लोअर केस में तो अब मेरे पास एम में क्या आ गया आई और पी आई पहले था प्लस के थ्रू मैं कनकेटिनेट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ गया आई और पी ठीक है तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेसिकली वो कर कैर कर अगर इज अपर है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है अल्फाबेट है तो अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है अदरवाइज वहां पर क्या आ रहे हैं डॉलर सिंबल ठीक है तो अब देखो आई हमारा कैपिटल में है तो इसको इरेज कर देंगे परी अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे ठीक है हाँ, कैपिटल अपर कंडीशन ट्रू ये लोअर केस में हो जाएगा कैपिटल पी इज अपर कंडीशन ट्रू लोअर केस में अब है मेरे पास स्मॉल वी इज अपर कंडीशन फॉल्स इज अल्फा अल्फाबेट तो है ही ना तो कंडीशन ट्रू तो अपर फंक्शन इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा फिर आते हैं मेरे पास सिक्स और सिक्स मेरे पास इज अपर फॉल्स इज एल्फा फॉल्स तो मैं एल्सपाट एक्जीक्यूट कर लूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉलर फेस इज अपर फॉल्स इज एल्फा फॉल्स एल्सपाट एक्जीक्यूट करेंगे डॉलर वन आपका इज अपर भी फॉल्स है इज लोअर इज अल्फा भी फॉल्स है वन की जगह भी डॉलर टू की जगह भी डॉलर एट की जगह भी डॉलर माइनस की जगह भी डॉलर और बी है मेरे पास इज अपर फॉल्स इज अल्फा मुझे टू देगा ठीक है तो कैपिटल बी कैपिटल आई और कैपिटल टी तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा स्मॉल आई स्मॉल पी और फिर कैपिटल बी ठीक है फिर डॉलर आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम डॉलर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर कैपिटल में मेरे पास क्या आ जाएगा बी आई टी राइट सो दिस इज द फाइनल आंसर

और मुझे उसको क्या कराना है एग्जीक्यूट भी कराना है तो उसके लिए मेरा जो सेंटेक्स रहेगा दैट इज एक क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए आई हैव टू यूज दिस माय कर्सर कर्सर ऑब्जेक्ट लिखेंगे माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लिख देंगे एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करोगे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कहाँ पर मुझे गिवन है ठीक है डेटा का नेम ऑफिस है टेबल नेम भी देख लेना अगर ऊपर गिवन है तो वही लिखेंगे हाँ फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय राइट तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देखो क्वेश्चन पेपर में ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आपको सारी चीजें नाइनटी नाइन परसेंट केसेज में मैंशन रहती हैं कि टेबल नेम ये है डेटाबेस का नेम ये है फील्ड का नेम ये सब कुछ मैंशन रहता है ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर सैलरी ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव थाउजेंड राइट स्टेटमेंट थ्री क्या कहते हैं टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ दिकोर्सरी ऑब्जेक्ट नेम डेटा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय इन द डेटा बेस तो दैट मींस मैं एक तरीके से डेटा अपना फैच कर रही हूं तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है माई करसर डॉट फैच ऑल माई करसर डॉट यहां पर हो गया मेरे पास fetch all function को हमने क्या क्या कर कर लिया Call कर लिया right? Done. Next हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर करेगा डेटा इन दी एस वी फाइल थ्री टाइप्स की फाइल रहती है मेरे पास तो csv फाइल में अगर मुझे डेटा को राइट करना हो तो विद्प ऑफ सी एस वी राइटर आई कैन राइट माइ आई कैन राइट माई डेटा दिस फंक्शन अलाउस टू द फाइल लिस्ट के फॉर्म में हम डेटा को एंटर कराते हैं अब हमारा आ जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसको हम प्रैक्टिकली ही इम्पलीमेंट करेंगे एक ही और पार्ट का क्वेश्चन पहले और देख लेते हैं ठीक है वट इज दूसिंग विद ओपन मेथड ओवर ओपन फंक्शन मेथड बाई िंग मेरे पास फाइल को ओपन करने के दो मैथडनिंग विद ओपन स्टेटमेंट और सेकेंड इज बायजिंग ओपन फंक्शन so, अगर मैं विद ओपन की ओपन कर रही, रही हूँ फाइल को तो फर्स्ट एडवांटेज तो क्या है, कि मेरी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी मुझे फाइल को खुद से क्लोज नहीं करना पड़ेगा वेर एज अगर मैं ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन कर रही हूँ तो मुझे ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फाइल को क्लोज भी करना है और सेकेंड एडवांटेज क्या रहते है कि जो भी मेरी एक्सेप्शन जनरेट होती है वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स

That is, we are not required to close the file explicitly. Explicitly means हमें खुद से वो close function को call करके file को close करने की requirement नहीं है। While we are required to explicitly close a file using close function when opening the file using open method. और second advantage में मैं आपको एक और बताया है कि आपकी जो exceptions हैं, उसको ये automatically handle कर लेगा with open के through। Whereas अगर हम बात करें अपना ये open function के through, तो automatically वो चीज को handle नहीं करता है। ठीक है अब हम आ जाते हैं सीएसवी फ़ाइल का थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको मैसेज नहीं करेंगे कि पहले सीएसवी मॉड्यूल इम्पोर्ट किया फिर ये लिखा फिर वो लिखा नो प्रैक्टिकली करेंगे ठीक है चलो अब हम आ जाते हैं ठीक है तो हम उसके लिए पहले हम अपना पाइथन की आईडीएल ओपन कर लें आईडीएलई की फुल फॉर्म क्या होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट ठीक है ना ज़्यादा नहीं एंड यू नो वर्ट जब हमारी स्पीड कंप्यूटर की स्पीड से भी फास्ट होती है ना तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम बस ओपन करें और एकदम से फाइल ओपन हो जाए है ना चलो अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है सी एस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं

तो हमने यहाँ पर एड रिकॉर्ड नेम से फंक्शन को डिफाइन करा नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ओपन द फाइल फाइल और uh, file का नेम क्या है मोबाइल फोन सी एस वी अब हमें क्या करने है? Data write करना है डेटा राइट 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 करना तो वी हैव टू ओपन दिस फाइल इन अब मुझे क्या करना है देखो जब भी मुझे सी एस वी फाइल में डेटा को राइट करना हो विद द हेल्प उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे एंड टू क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द राइटर फंक्शन और वो जो राइटर फंक्शन कॉल होगा वो आपका पी एस सी मॉड्यूल की हेल्प से होगा ब्रैकेट में हम लिखेंगे फाइल हैंडल तो ये आपका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ठीक है अब मुझे क्या करना है राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपना राइट रो फंक्शन को कॉल करना है अब क्या होगा जब ये राइट रो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ये मेरे को कॉलम के नेम्स चाहिए राइट लिस्ट की फॉर्म में डेटा एंटर कराना तो ये मैंने लिस्ट की ब्रैकेट्स ले ली ठीक है यहां पर हो गया आपका मॉडल नंबर मोबाइल नेम मैन्युफैक्चरर और ये हो गया आपका एट लास्ट प्राइस राइट अब मुझे क्या करना है यूजर से डेटा लेना है वाइल्ड ट्रू कि जब तक यूजर चाहे तब तक वो डेटा एंटर करता रहे तो सबसे पहले हमने क्या लिखा मॉडल नंबर तो ले राइट उसके बाद है मेरे पास मॉडल नेम ये भी हमारा इंटीजर फॉर्म का ही होगा इंटीजर टाइप का तो एंटर मॉडल नेमट नेक्स्ट मेरे पास आता है मैन्युफैक्चरर इसके लिए हमने लिख लिया सपोज मैन्युफैक्चरर एम एन लिख देते हैं ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा एंटर मैन्युफैक्चरर नेम नेक्स्ट लास्ट आ जाता है मेरे पास प्राइस प्राइस को आप चाहो तो इंटीजर या फिर फ्लोट भी ले सकते हो ठीक है फ्लोट मैंने जान के नहीं लिया अभी अगर फिफ्टी थाउजेंड का फोन है तो कौन फिफ्टी थाउजेंड और एटी पैसा भी साथ में देगा ठीक है ना तो हमने सिंपल रुपीज में उसको ले लिया इंटीजर में तो यहाँ पर हमने क्या एंटर करा दिया प्राइस अब मुझे क्या करना है मेरे पास एक रिकॉर्ड बन गया इसकी मैं लिस्ट बना लूंगी एम नंबर एम नेम और फिर मेरे पास है मैन्युफैक्चरर और ये हो गया प्राइस राइट right? अब मुझे क्या करना है ये फाइल में राइट कराना है तो विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट मैं इस राइट्रो फंक्शन को कॉल करूंगी और ये आर सी वाला डेटा एंटर करा दूंगी राइट फिर हमने यूजर से पूछा कि डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स यस और नो राइट इफ अगर यूजर ने क्या बोला नो no. तो क्या हो जाए ब्रेक लूप से बाहर और लूप से बाहर आते ही हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे क्लोज राइट right? अब ध्यान से देखो जरा यहाँ पर हमने लिखा इफ सी एच एन 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 दैट मींस चाहे वो नो के लिए कैपिटल एन प्रेस करें या स्मॉल एन प्रेस करें हमने दोनों कंसीडर कर लिए इसी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो इफ सी एच डबल इक्वल्स टू कैपिटल एन और सी एच डबल इक्वल्स टू स्मॉल एन इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो. Right? अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट उसके लिए हम पहले एड रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे ठीक है अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है मेरे को पता जो इंटेलिजेंट बच्चे ना कहेंगे मैम आपने ये चीज़ तो लिखी नहीं बिल्कुल लिखेंगे अभी बताते हैं क्या नहीं लिखा ठीक है अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फाइल का नेम दे दे लेट सपोज हमने सी मोबाइल डेटा राइट पहले तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है अगर एरर आएगा तो उसको करेक्ट कर देंगे ठीक है फिर वो रिमूव हो जाएगा और इसको हम इतने चलो एंटर मॉडल नंबर मॉडल नंबर हमने लिखा लेट्स एम ट्वेंटी और मॉडल का नेम हमने लिख दिया कुछ भी लिख दो एम एन ओ और मैन्युफैक्चरर हमने लिख दिया सैमसंग और प्राइस हमने लिख दिया फिफ्टी एट ठीक है चीके? मोर रिकॉर्ड्स यस मॉडल नंबर हमने लिखा एम ट्वेंटी वन मॉडल का नेम हमने लिख दिया है एम एन ओ और मैन्युफैक्चरर हमने लिख दिया एप्पल और प्राइस हमने लिख दिया एटी थाउजेंड मोर रिकॉर्ड्स नो ठीक है अब क्या होगा जैसे हम अपना सी एस वी फाइल को ओपन करेंगे देखो एरर तो कोई नहीं आया ठीक है और ये हमारी मोबाइल फोन्स डॉट सी एस वी नेम से मैंने कॉलन एक्स्ट्रा लगा दिया शायद हाँ ये वाला ठीक है तो ये भी आपका फाइल नेम में कंसिडर हो गया इसको हम इरेज कर देंगे तो ये इसको हम ओपन करेंगे तो जैसे ही आपकी सी एसवी फाइल ओपन होगी तो आप इसमें देखोगे क्या देखोगे ब्लैंक लाइन आ रही होगी मीन्स आपने फर्स्ट जो आपकी टाइटल रो है टाइटल हेडिंग हेडर रो वो आएगी ठीक है फिर आपकी एक ब्लैंक लाइन आ रही है फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है फिर एक और ब्लैंक लाइन आ रही है फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है ठीक है तो ये आपका हो रहा है ड्यू टू तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से तो इसके लिए मुझे क्या करना है न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो और एड करना पड़ेगा इसको हम क्लोज कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे को एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट लिखना है और इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ले लू ठीक है ये डिपेंड करता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास यूनिक्स है तो कोई और आर्ग्यूमेंट वैल्यू लिखनी है यहाँ पर ठीक है आप लाइनिक्स यूज कर रहे हो तो कोई और वैल्यू लिखोगे डिलिमिटर बाय डिफॉल्ट कोमा होता है अगर आपने कोई और डिलिमिटर लेना है तो वो भी आप ले सकते हो इसको हमने एग्जीक्यूट किया ठीक है अब पर हम एंटर करेंगे मोबाइल मॉडल नंबर हमने एंटर किया लेट सपोज एम वन और मॉडल नेम हमने लिख दिया एम एन ओ मैन्युफैक्चरर हमने लिख दिया सैमसंग प्राइस हो गया आपका थर्टी फाइव थाउजेंड मोर रिकॉर्ड यस मॉडल नंबर ए वन और मॉडल नेम हो गया ए बी सी और मैन्युफैक्चरर हो गया लेट सपोज एप्पल और प्राइस हो गया इसका सेवेंटी फाइव थाउजेंड मोर रिकॉर्ड यस और मॉडल नंबर हो गया नाइन आर और यहाँ पर मॉडल का नेम हो गया लेट सपोज वन प्लस नाइन आर फाइव जी और मैन्युफैक्चरर हो गया मेरे पास वन प्लस और प्राइस हो गया लेट सपोज इसका फोर्टी फाइव थाउजेंड राइट मॉडल नंबर yes. और मॉडल नेम हो गया एबीसीडी और मैन्युफैक्चरर हो गया एप्पल और प्राइस हो गया इसका सपोज ठीक है मोर रिकॉर्ड्स नो और रिकॉर्ड नहीं एंटर करने अब हम अगर अपनी सी एस फाइल को चेक करेंगे तो अब आप, आप देखो ठीक है यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन आ रही थी वो आपकी नहीं आ रही है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है जो हमारा सीएसवी सॉरी न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है उसको यूज करना पड़ता है अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट काम है वो हो गया अब मुझे क्या करना अपने क्वेश्चन पर अगर हम आ जाए फंक्शन है को टू सर्च द रिकॉर्ड ऑफ मोबाइल मैन्युफेक्चर एप्पल प्रेजेंट इन दी एस वी फाइल नेम्ड मोबाइल फोन डॉट सी एस वी जो जो एप्पल ने मैन्युफैक्चर किया है उसका रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कराना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना इसको मैंने कमेंट कर दिया बिकॉज़ मुझे दोबारा दोबारा रिकॉर्ड को एंटर नहीं कराना तो अब हम क्या करेंगे सर्च फंक्शन को डिफाइन करेंगे सर्च फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने अब मुझे क्या करना है फाइल को ओपन करना है f ओपन और फाइल का नेम है मेरे पास मोबाइल फोन्स.csv इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में राइट right? और लाइन आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अब मुझे क्या करना है रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सी एस वी मॉड्यूल की हेल्प से हम रीडर फंक्शन को कॉल करेंगे राइट right? और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा फाइल हैंडल और अब मैं क्या करूंगी फोर आई इन आर ओ फोर लुक लगा देंगे और पहले मैं प्रिंट करा रही हूँ आई को सारा का सारा डेटा प्रिंट करा रहे हैं ठीक है पहले ये देख लेते हैं ना कि वो मीन डेटा को रीड भी कर रहा है या नहीं अगर रीड नहीं कर रहा तो तो आगे कंडीशन लगाने का फायदा ही नहीं अब यहाँ पर इसको हमने एग्जीक्यूट किया ये सही चल गया ठीक है अब मुझे क्या करना है एप्पल वाले रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है ठीक है मेरे पास डेटा लिस्ट के फॉर्म में है तो ये जो आपका मैनुफेक्चर है इसका इंडेक्स क्या है दिस इज एट इंडेक्स जीरो दिस इज एट इंडेक्स टू तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे For I in R के बाद अगर वो Apple का manufacturer है तो मुझे क्या करना है कंप्लीट रिकॉर्ड को प्रिंट कराना है right? ये एप्पल के रिकॉर्ड प्रिंट हो गए अब अगर वो कहता है कि मुझे सिर्फ क्या करना है उसका लेट सपोज सिर्फ उसका मॉडल नंबर डिस्प्ले कराना है कंप्लीट रिकॉर्ड की बजाय तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती आई जो डिस्प्ले कराना हो वो जिस इंडेक्स पर हो आप वही इंडेक्स पर लिख दोगे और अगर सपोज ऐसा होता कि वो नोकिया का बोलता या फिर ऐसा कोई जो रिकॉर्ड मेरे में हो ही ना हो सकता है पॉसिबिलिटी तो है ठीक है तो अब यहाँ पर ही क्या करेगा कुछ भी नहीं बिकॉज नोकिया का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना प्रोग्राम को थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाएंगे की को क्या कर दिया? अब मेरे दो ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी या तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू वन होगी या जीरो होगी वन सिर्फ किस केस में हो रही है अगर कंडीशन रिकॉर्ड मिल गया तो ये तो वन है अदरवाइज क्या है जीरो तो कर देंगे आउटसाइड लूप फाउंड की वैल्यू क्या है जीरो तो मैं यहां पर प्रिंट करा दूंगी सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड राइट अब इसको एग्जीक्यूट करो नो रिकॉर्ड फाउंड अब अगर मैं यहां पर एप्पल ही लिख दू वापस से एप्पल के रिकॉर्ड्स तो हैं तो अब फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास वन तो आपका जो सॉरी वाला मैसेज है वो डिस्प्ले नहीं होगा जब रिकॉर्ड्स मिल गए फिर क्यों हम सॉरी बोले है ना तो फिर यहाँ पर हमारा इस तरीके से हो गया एक नेक्स्ट फंक्शन और होता है उसमें क्या होता है है कि आपकी जो टाइटल टाइटल रो रो अभी तो ये को भी आप कंपेयर कर ठीक अगर आप चाहो हेडिंग में डिस्प्ले करानी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट नेक्स्ट आर ओ अब देखो ये आपको साथ में ये ये चीज भी डिस्प्ले कराएगा राइट चलो अब हम आ जाते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पर और वाले में

न्यू फाइल और ये हमारा हो गया पेस्ट ठीक है इस कॉपी पेस्ट ने हमारा काम सो मच इजी कर रखा है अब यहाँ पर एड आइटम है इसको हम क्लोज कर देते हैं फंक्शन का नेम है मेरे पास एड आइटम फटाफट से इसको हम लिख लेते हैं और जो आपका डे फाइल का नेम है दैट इज स्टेशनरी डॉट सी एस वी राइट और यहाँ पर मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है आइटम आईडी आइटम नेम और आइटम प्राइस तो यहां पर हमने लिख दिया आइटम आईडी आइटम नेम और लास्ट हमारे पास हो गया प्राइस ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया एंटर आइटम आईडी इसको हमने लिख दिया आईडी डी राइट आई आईडी लिख देते हैं आइटम आईडी इसको हमने लिख दिया आइटम नेम लास्ट हमने लिख दिया यहाँ पर प्राइस राइट अब एंटर प्राइस हो गया अब ये हमारे पास रिकॉर्ड में क्या क्या आ गया आइटम आईडी आइटम नेम एंड लास्ट हमारे पास आ गया प्राइस ठीक है राइट करा दिया रिकॉर्ड और नेक्स्ट है मेरे पास काउंट करना है ठीक है ये काउंट वाला हम बाद में कर लेंगे ठीक है पहले हम क्या करते हैं इसको एड वाले फंक्शन को कॉल करते हैं राइट तो इसको हमने सर्च को तो कुछ नहीं करना और एड आइटम फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉल करेंगे राइट तो वेन आई विल एग्जीक्यूट दिस एफ शॉर्टकट की है इसको हम सेव कर देंगे सी और यहां पर हमने लिख दिया स्टेशनरी राइट right. अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है आइटम आईडी लिखेंगे पहले हम्म आइटम आईडी हमने लिखा लेट्स सपोज वन जीरो वन आइटम नेम हमने लिख दिया नोटबुक और प्राइस हमने लिख दिया इसका ट्वेंटी मोर रिकॉर्ड्स यस आइटम आईडी वन जीरो टू आइटम नेम में हमने लिख दिया पेन और प्राइस हमने लिख दिया ट्वेंटी मोर रिकॉर्ड्स यस आइटम आईडी वन आइटम नेम में हमने लिख दिया पेंसिल और Price में हमने लिख दिया फाइव ठीक है मोर रिकॉर्ड्स यस आइटम आई डी वन जीरो फाइव नेम लिखना रह गया है ना चलो प्राइस हमने लिख दिया, दिया, yes. दिया यहाँ पर टेन मोर रिकॉर्ड्स नो राइट अब हम यहाँ पर स्टेशनरी डॉट सी एस फाइल को ओपन करेंगे ठीक है ये मेरे पास डेटा आ गया अब मुझे क्या करना है काउंट फंक्शन से काउंट है कि मेरे पास टोटल कितने आइटम्स हैं दैट so, जितनी बार बार मेरा लूप एक चलेगा उतनी बार ये होगा ठीक है और इसको हमने क्लोज कर दिया और ये आपका काउंट फंक्शन है यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेशनरी डॉट सी एस वी राइट और इसको हमने क्या करा प्रिंट नेक्स्ट आरो देखो ध्यान से ठीक है इस को भी हटा दे रीडर फंक्शन को कॉल किया ठीक है अब मेरे पास क्या है देखो अगर मैं लिख दू प्रिंट आर ओ ध्यान से देखना ठीक है अभी तक तो हम उस आर ओ पर फोर लूप लगा रहे थे अब अगर ओहो वो कमेंट करना चाहिए था ना आइटम वाला फंक्शन चलो फटाफट से लिख देते हैं वन जीरो वन आइटम नेम हमने लिख दिया नोटबुक और प्राइस हमने लिख दिया ट्वेंटी मोर रिकॉर्ड्स यस आइटम आईडी डी वन जीरो टू आइटम नेम में हमने लिख दिया पेन और प्राइस हमने लिख दिया फिफ्टी मोर रिकॉर्ड्स नो दो रिकॉर्ड्स एंटर कराए ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको तो कर देंगे कमेंट और कॉल करेंगे हमारा काउंट फंक्शन अब देखो रिकॉर्ड्स कितने एंटर कराए हैं हमने दो रिकॉर्ड्स एंटर कराए हैं ठीक है अगर मैं सिंपल उस आर को प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास ये रीडर ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाता है और वेरस अगर मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ आर ओ लिख दू ठीके? लिस्ट ऑफ आर ओ लिख दू तो ये उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो तभी लिए हम इस पर क्या लगाते हैं फोर लूप लगाते हैं राइट और अगर मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन लगा दूं तो ये मुझे लेंथ भी बता देगा कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं ठीक है दो रिकॉर्ड्स थे बट ये मुझे क्या बता रहा है थ्री बिकॉज ये हेडर रो भी काउंट कर रहा है अब अगर हेडर रो को स्किप करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी नेक्स्ट आर ओ लिख दूंगी ठीक है नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये मुझे बता रहा है टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं टू या तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप नेक्स्ट आर ओ लिखने के बाद फॉर आई इन आर ओ और जितनी बार आपका लूप चलेगा कोई भी एक वेरिएबल ले लो इनिशियलाइज कर दो जीरो से और प्लस जितनी बार रिकॉर्ड चलेगा उतनी बार काउंट की मींस जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और प्रिंट करा देंगे हम सी की वैल्यू ठीक है या फिर लिख सकते हो टोटल रिकॉर्ड्स जो आपने लिखना तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा टू तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट 33 अब हम आ जाते हैं हमारा सेक्शन डी तो कंप्लीट हो गया अब हमारा लास्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन ई नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन ई इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कृष्णा वर्किंग एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल इन अ हॉस्पिटल क्रिएट्स अ टेबल ओ टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स रजिस्टर्ड इन द ओ सेक्शन ठीक है ओ टेबल क्रिएट किया है और इसमें ये आपके कॉलम के नेम्स हैं फर्स्ट पार्ट में लिखा है इफ द टेबल ओ इज टू बी लिंक्ड विद अनदर टेबल

सेम दोनों टेबल्स में जो एक के लिए आपका फॉरन प्राइमरी की होगा दूसरी टेबल के लिए आपका फॉरन की का, का काम करेगा तो इसमें आपको बोला कि एक कॉलम ऐसा बताओ जो दूसरी टेबल में फॉरन की का, का काम करे दैट टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए और इस टेबल में आपका प्राइमरी की कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर तो so, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर को हम सेट करेंगे जो टेबल में आपका क्या होगा फॉरन की ठीक है

तो अगर हम इस टेबल की बात करें तो रोल कितनी है मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कार्डिनलिटी हो गई सेवन और डिग्री टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर कॉलम्स क्या हो गए मेरे पास डिग्री क्या हो गई एट नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड ठीक है इंसर्ट करना है पहले चेक करो हर एक कॉलम की वैल्यू गिवन है क्या नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नेम एज डिपार्टमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस जेंडर ठीक है रूम की नहीं गिवन रूम नंबर ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम टेबल नेम लिखोगे ओपीडी फिर वैल्यूज कॉलम के नेम्स लिखोगे यहां पर ठीक है बिकॉज़ मुझे एक कॉलम की वैल्यू नहीं ना गिवन तो उसके लिए मुझे क्या सेंटेक्स लिखना पड़ेगा शॉर्ट में हम बता देते हैं ठीक है फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम है ओपीडी फिर हम लिखेंगे कॉलम के नेम्स कॉलम के नेम्स आप सारे लिख लेना रजिस्ट्रेशन नंबर नेम सारे कॉलम्स एक्सेप्ट रूम नंबर इसको आप लिख लेना जेंडर तक ठीक है फिर आप लिखोगे वैल्यूज और फिर सारे वैल्यूज लिख लो राइट right? अगर आप विदाउट कॉलम नेम्स लिखोगे तो आप एक कॉलम की वैल्यू नहीं दे रहे ना तो वहां पर वो आपका क्या शो करेगा एरर अब हमारा जो बी पार्ट है दैट इज इंक्रीज द ओपीडी चार्जेस ओपीडी के चार्जेस इंक्रीज करने हैं ऑफ़ द दी डिपार्टमेंट बाई टू हंड्रेड मीन जितने पहले थे तो उसमें टू हंड्रेड और इंक्रीज करना है तो इसके लिए जो मेरी कमांड यूज होगी दैट इज अपडेट कमांड अपडेट टेबल नेम ओपीडी सेट चार्जेस इक्वल्स टू चार्जेस प्लस टू हंड्रेड वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू ई एन टी राइट तो ये आपका हो जाएगा तो ये सिंटेक्स आपका इसमें गलत है कॉलम के नेम्स लिखना फिर वैल्यूज लिखना राइट द स्टेटमेंट्स टू डिलीट द कॉलम रूम नंबर फ्रॉम द टेबल ओपीडी ओपीडी टेबल से कॉलम रूम नंबर डिलीट करना है so, table, table name, तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम वर्ड ऑप्शन ड्रॉप कॉलम रूम नंबर या सिंपल लिख दो ड्रॉप रूम नंबर बोथ है करेक्ट नेक्स्ट कहते हैं ऐड अ न्यू कॉलम पैनल डिस्काउंट कॉलम आपने ऐड करना है विद डेटा टाइप एस वेर विद विद्टी कैरेक्टर्स तो टेबल टेबल नेम हो गया ओपीडी ठीक ठीक है है ऐड पैनल डिस्काउंट वेर एडल्टर फिफ्टी यहाँ पर आपका और आ जाएगा साथ में ऐड की ठीक है ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड उसके बाद जो कॉलम वर्ड है वो ऑप्शनल है वो आप चाहो लिखो तो या नहीं लिखो ठीक है एड पैनल डिस्काउंट वेर कैर फिफ्टी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ही हैज क्रिएटेड अ बाइनरी फाइल रिजल्ट डॉट डेट यूज की बाइनरी फाइल है विद स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम गेम नेम एंड रिजल्ट टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स ठीक है student ID, student name, name सारा लिखा हुआ है और व्हिच इज ये कहते आफ्टर द इवेंट हैज बीन कंप्लीटेड

राइट अटेटमेंट टू ओपन अन राइट मोड बाइनरी फाइल है मेरे पास रिजल्ट डॉट डीएटी ठीक है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F1 वन आपको गिवन एफ वन इक्वल्स टू ओपन रिजल्ट डॉट डीए टी और किस में ओपन करोगे बाइनरी फाइल है तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी नेक्स्ट है स्टेटमेंट थ्री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर टू लोड द फाइल अब आपको लोड करना है ठीक है तो पिकल डॉट लोड लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फाइल हैंडल का नेम फाइल हैंडल हमारा यहाँ पर क्या है डेटा को रीड करने के लिए एफ आउट स्टेटमेंट फोर मुझे क्या कहता है राइट अ स्टेटमेंट टू चेक इफ रिजल्ट फील्ड कंटेन्स वन और वन ये है या नहीं है रिजल्ट फील्ड में तो रिजल्ट फील्ड का आपने इंडेक्स देखना है यहाँ से जीरो वन टू थ्री तो रिजल्ट इज एट इंडेक्स थ्री तो आप लिख दोगे इफ आई ये आई कहाँ से आया

And if you like my video, do hit the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. We'll next video topic. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.